तो इतनी दूर रिश्ता करने के बजाय अपने गांव में किसी जान पहचान के यहाँ गुलमीना बेटी की बात पक्की करो, कम से कम आंखों के सामने तो रहेगी। रोज जाकर हाल अहवाल भी पूछाऊंगा, तोड़ कर आते जाते तो मेरा रास्ते में काम पूरा हो जाएगा। मस्ताने से कहो ज्वार की तरफ पानी मोड़े, फसल सूख रही है। इतनी दूर खेत के कोने में जो फसल भी लगाओगी सूख जाएगी। माशाल्लाह फसल तैयार है, अच्छी लग रही। नियत साफ हो तो खुदा बढ़कर डाल ही देता है। बेशक सारा खेल ही नियत का है। जरसांगा भी अच्छी नियत लेकर आई थी, उसे तो बरकत नहीं मिली। जरसांगा बरकत नहीं गुलमीना मांगने आई थी लाला, बरकत खुदा देता है, मैं नहीं दे सकती। दिल बड़ा करो, घर की बात है घर में ही रहने दो। अब तुम और हम उस उम्र में नहीं है जहां हम इस तरह बच्चों की तरह एक दूसरे से नाराज हो, पुरानी बातें एक दूसरे को याद करा जिद करें खाम खा, अच्छा नहीं लगता है। हम आज हैं तो कल मट्टी में मट्टी हो जाएंगे। मरने से पहले अपने बच्चों की खुशियां देख लें तो ठीक है ना। काश मेरा असदुल्ला भी अपनी बच्ची की खुशियां देख के कत्ल हुआ होता लाला। परवरदिगार असदुल्ला को जन्नत बख्शे और हमें भी उसके साथ जाकर जन्नत में मिला दे। लेकिन अब तुम ये पुरानी बातें भूल जाओ, बेटी का फर्ज अदा करो। इंशाल्लाह फिर मैं तुम जारसंगा हर साल हज पे चले, मैं लेके जाऊंगा सबको। आप वो आए, आपको ज्यादा जरूरत है हर साल हज पे जाने की। गुलमीना का फर्ज अदा होने वाला है, अल्लाह खैर करेगा। देखो हिकमत से अच्छा तुम्हें दामाद कहीं नहीं मिलेगा। चाहिए भी नहीं लाला, मैं अपने जैसों में रिश्ता करूंगी। आपके मखमल में मेरी टाट का पैबंद नहीं लग सकता। मैं तो बड़ी उम्मीद और यकीन के साथ आया था रिश्ता मांगने के लिए, खाली याद भेज रही हूँ, मुझे खाम खा जिद कर रही हूँ। जिद नहीं कर रही हूँ लाला, गुस्सा आ रहा है मुझे जिसे दबाने की कोशिश कर रही हूँ मैं। अरे गुस्सा तो मुझे आना चाहिए, ना तुम्हें मेरी उम्र का ख्याल है, ना मेरे रिश्ते का, ना किसी ताल्लुक का। दुनिया का सबसे ज्यादा गुनहगार तुम मुझे कह रही हो, हर साल हज पे जाने का मशवरा दे रही हो, पता नहीं किस बात का गुस्सा आई तुम्हें। फिलहाल तो मुझे इस बात का दुख हो रहा है लाला कि जहाँ बैठ कर आप मुझसे मेरी बेटी का रिश्ता मांग रहे हैं, वहां मैं गल्ला मंडी के दलालों के साथ अपनी फसल के सौदे करती हूँ। इतना ख्याल भी नहीं आया आपको, इस तरह मांगे जाते हैं रिश्ते। अपने पालतू के साथ यहां से गुजर रहे थे, सोचा चलो रिश्ता मांगते चलते हैं। ठीक है मुझे तुम्हारे घर आना चाहिए। जरसंगा को लेकर आऊंगा तुम्हारी मिन्नत करने के लिए। वहां भी यही जवाब मिलेगा आपको, तकलीफ करने की जरूरत नहीं आप। हाँ लेकिन मैं फिर भी आऊंगा, पता नहीं किस बात का गुस्सा है इसे।